Assalamualaikum, welcome to BOLWALA card game show. आज हम black black खेलेंगे. Black 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 क्या है पहिन? नाज़रीन हम तो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी ब्लैक होने की जरूरत नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दे देते हैं लिख के कि आज आप जो इनामात यहाँ से जीत सकते हैं उसमें हे की पोलो टी शर्ट्स हैश जूल्स के ज्वेलरी सेट्स आई स्टैक की टेलीविजन स्क्रीन और उसके साथ साथ रेवल की ब्रांडेड वॉचेस तो होंगी ही लेकिन उस पर लगेगा एक बड़ा ही जबरदस्त तड़का जो कि होगा 800 सीसी कार और 2 मोटरबाइक का एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मथीरा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ, फाट हूँ, आप बताइए. हम भी फिट है, फाट है. आज आपने तो बैग खरीद लिया. आप भी बैग्स खरीद लीजिए क्योंकि जो इनामात आप जीतने वाले हैं उसे रखने के लिए कोई ना कोई थैला दरकार होगा. और इससे पहले कि आप उन इनामात की जीत की तरफ बढ़े और हम आपको वहां तक लेके जाए, हम आपको ये बता देंगे कि आज हम 3 लकी विनर्स को सिलेक्ट करेंगे बोल वाला व्हील के जरिए और वो हमारे साथ खेलेंगे एक 800 सीसी कार और 2 मोटरबाइक के लिए. यानी ये तीनों विनर हैं. हाँ, तीनों विनर हैं. तीनों के हाथ घी में हैं और सर कढ़ाई में. कढ़ाई में तो वेरी गुड. इससे मुझे याद आ गए पकोड़े क्योंकि रमजान भी आने वाले हैं. यार यस, पकोड़ा और बस दैट्स इट. क्या बात है, ब्रांडिंग होगी? ब्रांडिंग होगी? नहीं, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, ये तो बचपन से ही पीते आ रहे हैं. लाल वाला शरबत कर लो, चलो बस ठीक है. लाल वाला शरबत. हाँ, तो नाज़रीन आइए वक्त को जाया किए बिना हम अपने 3 विनर्स की तरफ चलते हैं जिसमें से पहले को सिलेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे बोल वाला व्हील. घुमाएं बोल वाला व्हील विद द क्राउन. 3 2 1 स्टॉप. E25214208444 बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी गाड़ी या मोटरबाइक हो. यस, कुछ ना कुछ मिलेगा बिल्कुल. और नंबर दो दूसरे वाले की तरफ जाते हैं. सो लेट्स सी. 3 2 1 स्टॉप. बोले E25214203 06 आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सवारी. आइए देखते हैं तीसरा कौन. तीसरा है कौन? ये तीसरे बंदे होते हैं ना वो बड़े मिस्ट्री मिस्ट्री वाले होते हैं. अच्छा, हर तीसरा दोस्त. अच्छा? हर बंदा जो दूसरे में आता है वो really? तीसरा बड़ा really? तीसरा होता है. चले, मेरा कह रही है तो चले. 3 2 1 स्टॉप. E25214207 98 आप आपकी सवारियां बहुत बहुत मुबारक हो. मथीरा एक मरतबा ये बताइएगा आप कि अगर जो लोग अभी तक शो देख रहे हैं और बोल वाला मेंबर नहीं बन सके या उन्हें किसी वजह से कार्ड नहीं मिल सका तो वो कैसे बोल वाला? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप आना चाहते हैं हमारे शो में और बहुत सारे दूसरे शो में आप फोन उठाए, मैसेज के ऑप्शन पर जाए. 100 एक चांस, 500 6 चांस और 1013 चांस होते हैं. जो भी आपको रकम अच्छी लगती है वो चूज करें और भेज दीजिए 9903 बिल्कुल और बन जाइए बोल वाला मेंबर. हाँ, और आ जाइए हमारे साथ कुरानदाजी में और कुरानदाजी के साथ साथ आप इस पे डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं 20% अपनी फेवरेट आउटलेट्स पे विद मेनी ब्रांड्स फ्रॉम खाना टू पीना टू हर चीज. मतलब पूरा आपका घूमना ठीक ठाक हो जाता है. मतलब 40% 30% हर एक चीज में कट जाता है, 20% चला जाता है. तो आप खुद देखो, ये बहुत अच्छी डील है. और मैं भी बोल वाला मेंबर हूँ क्योंकि मुझे भी जो है वो काफ़ी जगहों पे खाना खाने के लिए डिस्काउंट की जरूरत है. स्पेशली वाइफ को जब शॉपिंग करनी होती है तो आउटलेट्स पे डिस्काउंट की जरूरत पड़ जाती है. बहरहाल देखते हैं ये तीन लोग कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है, बताइएगा. दिखाएं. ओके, हु आर दीज लकी पीपल? हारिस कराची, माज लाहौर और अकरम सियालकोट. गुड, आइए हारिस से बात करते हैं. तीनों लड़के हारिस से बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम हारिस जी. आई थिंक हारिस थोड़ी बिजी है मुझे तो ये लगता है. मुझे आवाज नहीं आ रही है हारिस की. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सन्नाटे में है. सन्नाटा सन्नाटा भाई. हारिस की आवाज नहीं आ रही है हमें और हमें उनकी नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में हम आपसे भी बात करते हैं. बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि जब वो कार्ड लेते हैं वो आपका कार्ड 3-4 महीने के लिए नहीं चलता, एक महीने के लिए, वो सिर्फ 1 महीने के लिए चलता है. मेरी कुछ दोस्त थी वो मुझे एक कार्ड दिखा रही थी जो 2 महीने पुराना था. आई वाज लाइक क्या करूं, बोलते यार हमें अंदर ले आओ. आप देखें ना, अगर इतना अरसे चलेगा तो फिर उन लोगों के साथ बड़ा ही जो है वो नाइंसाफी हो जाएगी. नया न्यू कार्ड ले रहे हैं
अब उसकी वजह यह है कि आपको विद इन अ मंथ इतने चांसेस मिल रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट गेम शोज में आने के, यहाँ बोल चैनल के ऊपर ही 3 गेम शोज हो रहे हैं, आप उनमें आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट चांसेस अगर आपने लेने हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको जो है वो कैपिंग की जरूरत है, और वो कैपिंग है 30 डेज की। हाँ, और उसी तरह आपको करना भी होगा, मतलब 30 डेज खत्म हो गए, आप एक और कार्ड खरीद ले, बिल्कुल 100 वाला खरीद ले, नॉट एन इशू। लोग की 100 में गाड़ी निकली है यार, बिल्कुल मिली है यहाँ इस शो के अंदर, 100 वाले कार्ड पे भी गाड़ी मिली है। वैसे आप बताए दिन कैसा था आपका? दिन बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल में कॉलर भी आ गए। कॉलर आ गया। वालेकुम जी, कौन साहब? ये कौन है? मास आरिस, है? आरिस, आरिस, आरिस दोबारा बात हो रही है। आरिस क्या हाल है, कहाँ चले गए थे अभी थोड़ी देर पहले? हम बड़ी देर से हेलो हेलो कर रहे थे, सन्नाटे में थे आरिस। कॉल कट गई थी, कॉल कट गई थी। ओह माय गॉड, जब कॉल कट जाती है तो दिल के तार कट जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है। आपको भी ऐसा लगता है? जी जी, ऐसा लगता है ना, बस फिर यानी कि आप आपके दिल के तार। हाँ, आप भी एक आशिक है, मैं भूल गई, आप भी बताइए आपका इश्क क्या है? आप भी, हाँ, आप भी, मैंने इसीलिए तो कहा, आपका इश्क क्या है हारिस? मेरा इश्क पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न? जी, क्योंकि मैं पॉपकॉर्न देखता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक, मतलब आप मुझे बताएं, आप मूवी की तरफ बेचते हैं तो हाँ, कैसे लगता है? मल्टीप्लेक्स में बेचते हैं, सिनेमा में या अकेले अकेले? अलादीन पार्क में। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, तो हर बंदा मूवी बना रहा होता है अपने अपने फोन से। हारिस, अगर आज आप यहाँ से 800 सीसी कार जीत गए तो क्या करेंगे? मैं पॉपकॉर्न की बड़ी दुकान लगाऊंगा, क्योंकि अच्छे सिनेमा हाउस में। अबे बड़ा सोच यार, अगर 800 सीसी कार जीत गया तो मतलब पॉपकॉर्न, फिर भी पॉपकॉर्न ही बेचना है, कोई और बिजनेस? जी, अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा ना। बड़ा बिजनेस करो, कोई रेस्टोरेंट खोलो। जी जी, रेस्टोरेंट की तरफ जाओ, वहाँ पर भी पॉपकॉर्न बेचो, कोई चाट स्पॉट खोलो, स्टॉल खोलो, एक चीज को स्टॉल बना लो, पॉपकॉर्न के साथ कुछ और भी रख दूंगा, कॉफी। मैं आइडिया देता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ, व्हील्स ऑन मील्स, गाड़ी में आप एक बड़ी सी वैन खरीदें, वैन में आप चाट और ये पॉपकॉर्न और ये सारी चीजें जितनी भी इनकी मशीन वगैरह जो भी इक्विपमेंट है वो सब लगाएं, और जहाँ दिल करे वहाँ पर अपनी वैन बेचें, बिल्कुल यही होता है। और मैं आपको वेस्ट की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर चीज के अंदर वेस्ट की मिसाल देते हैं। मैं बहुत जाता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी जा सकते हो। वैसे एक बात बताएं, वैसे हम भी ना जब वेस्ट को एक चीज बुरी भी करता है ना, हम उसके अंदर एक अच्छा ही निकालते हैं। वो बेचारे हमें बस ये दिखा रहे हैं कि कुछ अच्छा कर लो, उनका डॉलर महंगा है ना, क्या करें, सुननी पड़ती है। बहरहाल हारिस, आप होल्ड कीजिए, अगर आप जीतते हैं या जो भी आप जीतेंगे आपसे प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली, मास से बात करते हैं। मास, नाम प्यारा है, मतलब क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मास साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माज, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मैं खैरियत से, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माज, आपके नाम का मतलब मतीरा जानना चाह रही है, जरा बताइएगा प्लीज। माज के नाम का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बता दे। अच्छा, आपको नहीं पता? ओह माय गॉड, आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्यों कॉल किया, क्यों कॉल किया इन्हें। हाँ, आज आप यहाँ से एक 800 सीसी कार जीत सकते हैं माज। हेलो, करते हैं, उम्मीद है जीत जाएं। जीत सकते हैं, अगर जीत गए तो क्या करेंगे? जीत गए तो गाड़ी जो है बेच के अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। तो कारोबार में तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी तुमने बताया लैपटॉप की दुकान पे काम कर रहे हो, उसका भी नहीं पता। लैपटॉप का नहीं, कोई जनरल स्टोर वगैरह कोई खोलेंगे, कोई स्टेशनरी शॉप कॉलेज खोलेंगे। आई थिंक आई एम ड्राइवर, बन जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी इंटर। जी, इंटर। इंटर, इंटर। हाँ, तो इंटर के हिसाब से तो फिर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। दुआएं जो है वो काफी, दुआ करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम दुआ करते हैं कि आप जीत जाएं, और अगर आप जीत गए तो आपसे दोबारा बात करेंगे प्रोग्राम के एंड में। yes, तक आप लाइन पर रहे, लाइन पर रहे। अब तीसरा कौन था? तीसरा सियालकोट से है कोई, आई डोंट रिमेम्बर। सियालकोट, अरकम, 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 अकरम, अकरम, अकरम या अरकम, चलो बात करते हैं। हेलो अरकम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरकम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है यार, आपके तो नाम में ही रकम आता है, तो आप तो काफी अमीर तरीन शख्स होंगे। है ना? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ही है? आप कैसे हैं? ऐसा नहीं, क्या करते हैं आप सियालकोट में? स्पोर्ट्स की दुकान है मेरी। स्पोर्ट्स की दुकान है जी, स्पोर्ट्स की दुकान है यार। मुझे एक 2 दर्जन क्रिकेट दे देंगे? दो दर्जन क्रिकेट, 1 किलो फुटबॉल, और मेरे ख्याल में कोई 7-8 तोले जो है वो आप मुझे हॉकी दे दें। स्पोर्ट्स की दुकान क्या होता है यार? मतलब वो चीजें बेचते होंगे ना, एक्सेसरीज, ये जो एक्सेसरीज, द आइटम्स। हां, तो स्पोर्ट कैसे बेच सकते हो तुम भाई? स्पोर्ट की एक्सेसरीज बेचते हो? बिल्कुल वही। अच्छा चले, अब आप यहाँ से कुछ जीतने वाले हैं अरकम, और क्या जीतने वाले हैं मतीरा आपको बताएंगी।
आप जीतने वाले हैं हमारी तरफ से दुआएं, और वो दुआएं दो पहियों पर भी हो सकती है, चार पहियों पर भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन चार पहियों पे वो तो ज्यादा अच्छा, दो पहिये तो है मेरे पास। वेरी गुड। अगर आपको मिल गए चार पहिये तो क्या करेंगे? तो वही चार कर लेना, दो पहिये चार। हाँ ऐसे सही है यार, ये भी अच्छी बात है। मैरिड हूँ मैं, तीन बच्चे हैं, तो बाइक पे सफर करने में थोड़ा गाड़ी मिल जाएगी तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गाड़ी जीत गए तो हमें बड़ी खुशी होगी। अरकम हाँ, इंतजार करें, सबर करें और लंबी लंबी सांसें करें और दुआ करें। हम प्रोग्राम के एंड में आपसे बात करेंगे, ठीक है? हाय हाय हाय। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैंने छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं बाइक पर, और कभी कभी इंसान का दिल भी ना वो डर जाता है, वो यूं बैठे हुए होते हैं। हाँ, बिल्कुल सोरे भी होते हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि कंजूसी की वजह से बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा, भाई जब गाड़ी जो है वो घर में पार्क हुई हुई है तो बच्चे को आप बाइक पे स्कूल छोड़ने क्यों जा रहे हैं? आप अपनी गाड़ी निकाले और स्कूल छोड़ने के लिए बाइक यूज क्यों कर रहे हैं? वैसे हम कमाते किसके लिए? मुझे ये समझ नहीं आता। उनके लिए आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है उनके साइज का हेलमेट भी नहीं आता है ना। बिल्कुल। और हे मुझे ये बताओ, तुम्हारा शर्ट बहुत प्यारा है। हे काश के मैं भी ये कह सकता, बहरहाल लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे करीब नहीं आओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल भी मैं नहीं आ सकता। ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है, ये एक जमाने में गोविंदा पहना करता था, इसमें लाइटें भी जलती थी। बहरहाल हे की ब्रांडेड टी शर्ट देने का वक्त आ गया है, और ये टी शर्ट आज जा रही है 20 लकी विनर्स को, और वो 20 लकी विनर्स जो हैं जिन्हें रैंडमली कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया है वो हैं ये। इन 20 लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी हे की ब्रांडेड टी शर्ट जिसकी कीमत है 5,000 रुपया, और अगर आप बोलवाला मेंबर हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं 3,650 रुपीज पर। वेरी गुड। और जब तक ये 20 लोग यहाँ पर कंप्लीट होते जा रहे हैं, आइस टेक की जानिब से, आइस टेक की जानिब से चार सुनो मैं यहाँ से एक घुमाऊंगी। ओके नंबर वन मिला 2521420802। और घुमाएं। वेरी गुड। ये एक्चुअली जब हमारे पास थोड़ा कंटेंट कम होता है ना, तो हम टाइम को किल करने के लिए ऐसी बात नहीं है। और रुक जाओ, नंबर 3 क्या बात है, 1 से 3। और ओह शुक्र, एक और स्क्रीन इज्जत E25214213 18। दो स्क्रीन जा चुकी हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दो इन्हीं दो में होंगे, अब देखते हैं तीसरा कौन। दो डब्बे खाली भी है। यार ये क्या है, 1 2 3 4 एक दो तीन चार पांच सात, आइए घुमाइए एक बार फिर। 1 2 3 हम 4 5 6 को कंसीडर करते हैं। ओके हाँ, टाइम निकालो। You're so mean. टाइम निकालो। क्यों मेरे साथ आपको शो पर मजा नहीं आता? नहीं नहीं, उन लोगों को तो मजा आता है ना। ओके नंबर 4 मुझे लग रहा है खाली है। ओके इन दोनों में ही स्क्रीन है। really? Yes, नहीं नहीं एक में होगी। हमने दो स्क्रीन निकाली हैं, दो बाकी हैं और दोनों में ही स्क्रीन। वेरी गुड। आप प्लीज स्क्रीन अनाउंस कीजिए, मैं डब्बा बंद कर दूं। ओके इन्होंने सबसे डिफिकल्ट मुझे दिया है E9999992904, और ये आप करें बिल्कुल प्यार से करें। A12308107999 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ स्टोरी इनकी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। इनके 10 वाउचर्स। ओह यस, द 5001 हम 10 वाउचर्स दे रहे हैं फॉर 5000 रुपया वाले। आईस्टेक की जानिब से इन खुशनसीब लोगों को दिखाएं, इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ये जब यहाँ से टिकट चला जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक टाइम में एक चीज ही जो है वो इनपुट दे सकता है। हमारे 10 लकी विनर जो कि वाउचर्स जीते हैं आज 5000 ईच का, इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। इनमें से हम किसी एक से बात भी करने लगे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम क्या आपका? जी नाम क्या आपका? कुतुबुद्दीन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फोरंगी कराची से। फोरंगी कराची से कुतुबुद्दीन साहब, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐबक वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक बादशाह था मुगलिया खानदान का। जी मुगलिया खानदान के कौन से, मतलब उनके वालिद कौन थे? बाबर, हुमायूं, आलमगीर, कौन? ये तो नहीं पता मुझे। तुर्क थे, मुगल थे, कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक या अफगान? मुगल थे। मुगल थे? I think अफगान थे।
क्योंकि नाम ऐसा है कुतुबुद्दीन। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ कौन थे? मैं करेक्ट नहीं कर सकता। अफगान थे, कौन थे? तारीख के पन्नों से जब कोई नाम निकल के आता है तो फिर उसके बारे में जानने की जो है वो बहुत ज्यादा जुस्तुजू होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे दरियाफ्त कर लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हम उन्हें बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन साहब आप क्या करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं जी जी मैं रिटायर्ड सर्जन हूँ पाकिस्तान नेवी से। पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड? वाओ जी, अच्छा जा, वेरी गुड। किस रैंक पे रिटायर हुए सर आप? जनाब मैं डॉक्टर बीएपीएस 11 से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, चले अच्छी बात है। तो ये बताइए कुतुबुद्दीन साहब, आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो नहीं जानते, कुतुबुद्दीन कबाचा के बारे में तो जानते होंगे? जी हाँ, कुतुबुद्दीन कबाचा के बारे में जानते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मतीरा नहीं जानती, जरा बता दीजिए कुतुबुद्दीन कबाचा को आज के दौर में किस नाम से याद किया जाता है? किस नाम से बताएं? वेरी गुड, बैरो सलवारी का बड़ा ही मशहूर कैरेक्टर। और तन्हाइया, तन्हाइया से? जी जी जी, तन्हाइया से था। और एक बात और भी, जिस वक्त ये ड्रामा आता था तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12-13-14 साल की थी। अरे वाह वाह वाह, और मेरे खानदान में बड़ा रिकॉर्ड लगा था इस सिलसिले में। अच्छा, इस वजह से कुतुबुद्दीन के नाम था, क्योंकि वो कबाचा जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही कुछ वियर्ड टाइप कैरेक्टर था। कॉमेडी नहीं था? नहीं, कॉमेडी था बट वियर्ड कॉमेडी, मतलब कैरेक्टर वाज वियर्ड। मतलब एक बंदा जिसका नाम कुतुबुद्दीन है तो उनकी छेड़ बन जाती है कबाचा कबाचा करके। आपकी भी बनी होगी सर उस जमाने के, है ना? देखो नहीं, मैं चिढ़ता नहीं था, मैं चिढ़ता नहीं था, मतलब मुझे कबाचा कबाचा कहते थे। हां, कबाचा नहीं था। अच्छा, आप चिढ़ते नहीं थे, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप चिढ़ते नहीं थे। आज देखें माशाल्लाह किस मुकाम पर हैं बैरोज सलवारी साहब, थैंक्स टू अल्लाह एंड थैंक्स टू जावेद शेख साहब। बहरहाल आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हमने कुरानदाजी की है जिसमें आप जीते हैं 42 इंच की एलईडी स्क्रीन, वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। आइस टेक की जानिब से 42 इंच की एलईडी जीते हैं आप, बहुत बहुत मुबारक हो कुतुबुद्दीन साहब। आपने तन्हाइया की डीवीडी इस स्क्रीन पे देखनी है हमारी खातिर, ठीक है सर? ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मच्छर काटा? I don't know. मुझे पता नहीं, दो मच्छर काटे पांव पर इतनी जोर से। डेंगी 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 नहीं, वो तो मर गया होगा। मैं डेंगी। हाँ, मैं उसी कह रहा हूँ, डेंगी डेंगी मत काटो, डेंगी है। नहीं, हैश जूल्स की ज्वेलरी सेट्स का वक्त आ गया है और हमारे पास आज ज्वेलरी सेट्स हैं। Yes, we've got around 5 jewelry sets and each jewelry set is for 20,000 and it's great with discount. आपको मिलता है 10,000 में। हाँ, लेकिन ये इन पांच लोगों को बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। दे दो दे दो दे दो, इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ इनके वाउचर्स भी हैं और वाउचर्स हैं 10 जिसकी कीमत है 1,000 रुपए ईच वाउचर। ये भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इन पांच के बाद वाउचर्स लगा दीजिएगा और एक कॉलर से हमारी बात करवा दें जो कि ज्वेलरी सेट जीते हैं। हेलो हेलो, ओके, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, तब तक आप वाउचर्स दिखा दीजिए। वाउचर्स दिखा दो फिर हमें दिखा। तन्हाइया आपको देखना चाहिए, आपको मालूम है इंडिया में उस पर 3 मूवीज बन चुकी हैं। Really? It's a brilliant, brilliant, brilliant How TV can series. एक ड्रामा के ऊपर 3 मूवीज बने? अब ये तो आप इंडियन से पूछे ना, आपका तो आना जाना रहता है। नहीं नहीं, वो कौन सी फिल्में थी? मैं इंडियन कंटेंट का नाम बता दो ना फिर भी। टू, टू, चल टू, मेरे टू? भाई okay. और दो के नाम में भूल गया, लेकिन 3 बनी है, इतना मुझे करना है। वैसे इंडिया बहुत कुछ बनाता है हमारे नाम से। हाँ हाँ, बहुत सारी मूवीज कॉपी की है इंडिया ने, बहुत सारे सॉन्ग्स कॉपी किए। अलग बात है, इवन हमारे बहुत सारे सिंगर कॉपी कर लिए, लाइक राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम, इन्हें भी कॉपी कर। अच्छा, वो वहाँ जाके गाते जी? वो हमारे हैं। अच्छा, यहाँ की कॉपी नहीं की कर ली, कोई क्लोनिंग नहीं चल रही यहाँ। खैर कोई बात नहीं, कॉलर से बात कर सकते हैं हम, करवाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? मैं सर रहीम यार खान से बात कर रहा हूं, मंसूर अली। रहीम यार खान से क्या नाम है आपका? मंसूर अली। मंसूर अली साहब, वेरी गुड वेरी गुड। मंसूर साहब क्या करते हैं आप रहीम यार खान में? सर मैं किराने की शॉप है मेरी। किराने की शॉप है? किस चीज की सर? किराने की। किराने की वो क्या होता है? किराना मतलब वो हल्दी पाउडर, मतलब मिर्चे, मिर्चे सारी चीजें, मिर्चे, आटा, चावल, खाने के डब्बे, मसालों के डब्बे, ये किराना। तो वेरी गुड, ठीक ठाक, मतलब आपकी तो प्राइसेस ऊपर होने वाली है, रमजान आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना मंजूर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गरीब आदमी के लिए, बेचारा गरीब क्या करे। आप देखें रमजान आने वाले हैं और मिल्क के प्राइस जो हैं वो 25 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए और मजीद बढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा बढ़ा है, रमजान एक हफ्ते पहले आई बिलीव वो भी मजीद ये ये, ये, ये सब अगर होगा तो हम क्या करेंगे? अब आप बताएं, इसका हल बताएं। सैलरी लेंगे और फिर भरेंगे और कुछ नहीं।
सर अल्लाह पाक करम करे कि महंगाई वगैरह कम हो, बिल्कुल कम हो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी बात है। One thing I got to give it, Pakistan has become safe. महंगा है लेकिन it's safe. तो बंदा मतलब हम सेफ्टी के पैसे दे रहे हैं। नो इट्स मच बेटर, एटलीस्ट आपको पता है कि कोई आपको फोन चोरी नहीं करेगा, रोड पर खड़े होकर सेल्फी बना सकते हो। पहले तो ये डर होता था कि बंदा निकाले या नहीं, वेरी गुड, कॉल बज रही है समझ में नहीं आ रहा अटेंड करें या नहीं। इसके बदले में हम 25 रुपए लीटर जो है वो दूध पे दे सकते हैं। बिल्कुल, है ना, फोन हमारे पास हो, हमारी सेल्फीज अच्छी आए और हमारा सोशल मीडिया फोन के लिए सैक्रिफाइस हो सकता है। मंसूर साहब, आपको कॉल करने का मकसद ये है कि आज एक कुरानदाजी के जरिए आप यहाँ पर ज्वेलरी सेट जीते हैं जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, स्विट्जरलैंड। नहीं, मैं अभी तक नहीं गई। क्या बात कर रही हैं? नहीं, आप नहीं गई स्विट्जरलैंड? नहीं गई यार, मुझे जाना था। परसों में जाना है। मैं भी नहीं गया हूं। ये वही वाली जगह है ना जहाँ बहुत सारे लोग व्हाट डू यू कॉल इट्स दैट स्टीम बाथ। स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ नहीं। स्विट्जरलैंड अगर आपको देखना है ना तो शाहरुख खान की फिल्म देख लो जो ट्रेन में घूम रहा है ना, वही स्विट्जरलैंड। बस स्विट्जरलैंड में अगर आप कुछ देख सकते हैं तो बर्फ, घास और गाय, ये तीन चीजें। जो भी वहां गया उसने वापस आके यही बताया। वैसे इंसान थक नहीं जाता बर्फ गाय। स्विट्जरलैंड की सबसे ब्यूटीफुल सीनरी जो है वो एक लेक है जिसपे दो माउंटेन बने हुए हैं और सेम टू सेम अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो वो आपको यहाँ कालाम से ऊपर, सॉरी कालाम नहीं, कागान से ऊपर झील सैफल मलुक। झील सैफल मलुक की जो सीनरी है जिसके बैकग्राउंड में क्वीन माउंटेन है, मलकाय कोह जो जिसे कहते हैं माउंटेन कोफ, क्वीन। तुझे टीचिंग करनी चाहिए। सीरियसली मैं तेरी स्टूडेंट, तू मेरा टीचर। मैं देखो कैसा मिसगाइड करता हूं। बहरहाल स्लिप्स आ गई है, प्लीज स्लिप्स ले लीजिए। पांच लोग इनके हमने दिखा दिए, रेबल की वॉचेस वाले नहीं दिखाए, प्लीज दिखाए, नहीं दिखाए। थैंक यू। इन पांच के बाद आप प्लीज ये भी दिखा दीजिएगा कि कौन 10 लोग हैं जो कि रेबल के डिस्काउंट वाउचर्स जीते हैं 2,000 ईच के हिसाब से। 10 लोग ये डिस्काउंट वाउचर्स जीते हैं जिनके नंबर इसके फौरन बाद आ जाएंगे। और हम चलते हैं बंपर प्राइस की जानिब। वो कौन है? शमून भाई, उन्होंने हमें नहीं दी। शमून अब्बासी, उसने क्या दिया? घड़ी। देखें प्लीज, ये काम के टाइम पे पर्सनल बात मत किया। उन्होंने नहीं दी हमको। आइए जी देखते हैं कौन जीत रहा है। जुनेदी, आई थिंक नंबर दो। जुनेदी दो नंबर जुनेदी। हाँ नहीं, दो नंबर नहीं, ये वक्त आ गया तुम्हारे। ये दिस दो नंबर। अच्छा दिस दो नंबर, ओके। दो नंबर में देवा तेरी उचील। ओ हो ना मेरा ना आपका। नंबर वन यार, आज शुरुआत ही नंबर वन से हुआ है। It's E25214208444. बताइए नहीं कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? 0844 कौन है ये लकी बंदा? 0844 हारिस। कराची से हारिस करता क्या था? क्या करते थे हारिस? करता क्या था? पॉपकॉर्न। ओके हेलो हारिस। वालेकुम अस्सलाम हारिस, आप मुझे ये बताइए कि पॉपकॉर्न खाने से गले में अगर खराश होती है तो उसका क्या हल है? ये तो मुझे नहीं पता भाई। क्यों नहीं पता यार? आप पॉपकॉर्न का काम करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। शहद खा ले फिर खराश। शहद खा ले, पानी पी लें, उससे सही हो जाती है। हाँ ऐसा ही होता है। पॉपकॉर्न के ऊपर शहद डाले, चलें बहुत अच्छी बात। खराश तो नहीं हुई मुझे, मैंने इतने। अच्छा मुझे ये बताएं हारिस, माफ कीजिएगा हारिस, ये बताइएगा कि अगर आपने कुछ सोचा बिजनेस प्लान के बारे में जो हमने आपसे डिस्कस किया? तो मैंने आज अभी वही बैठ के सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है। तो फिर क्या आप वो आइडिया फॉलो करेंगे अगर आप जीत गए तो? जी इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे आप, जरा अपना आइडिया हमसे डिस्कस करें फिर हम बताते हैं आप जीते या नहीं। जैसे कि आपने बताया है, क्या बोलते हैं, गाड़ी ले लूंगा। वो तो हो गया ना, वो तो हो गया, वो मैंने आइडिया दे दिया आपको। मुझे बताएं कितने परसेंट मेरा कट कितना है? कोई कट नहीं है भाई, बिजनेस का आइडिया दिया है, मैं कोई गिफ्ट में थोड़ी कट मांग रहा हूँ उनसे। बिजनेस में कितना कट है? कितने परसेंट मेरे आइडिया के? मैं इतना मैला आदमी हूँ, मैं वो बर्गर भी नहीं छोड़ूंगा आरिस, क्योंकि आप जीत चुके 800 सीसी कार। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जल्दी से बताओ बर्गर खाने कब आए? बस ठीक है, तो तुम स्टार्ट तो करो बिजनेस यार, फिर हम आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो हारिस आपको, आप जीत गए 800 सीसी। बिल्कुल, बाकी जो दो लोग थे उन्हें एक एक बाइक दी जा रही है, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। माज और अरकम को, माज और अरकम आपको एक एक बाइक दी जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, बोल वालास का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे स्पॉन्सर्स। ओह स्पॉन्सर्स के बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल फहीम के बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है थैंक यू, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल, टिल देन अल्लाह हाफिज़। मेरा भी शुक्रिया यार, मैं